पे, ये है खलंगा वॉर मेमोरियल, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखिए पुतहा लड़की यहाँ पर जा रही है रोड पे। ओह माय गॉड, इन्होंने स्पीड बढ़ा ली है, हमें नहीं पता ये क्या है। राखी की शॉपिंग पे बाय। ब्रास की बनी है मम्मा। हैप्पी वाली आशी का है। पार्सल है वो। मैंने जूम कर दिया। उल्टे दिखेंगे ना बिना चीज़। अरे यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे, यहाँ पे लगाओ, बीच को लगाओ, बीच को लगाओ। लगा पीटा नहीं, यहाँ से लगाओ बेटा, ऐसे करो, ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर। हार्ड ग्रिप से तू लगा दे, छोटा सा लगा दे। करती खुदी है, अपने पापा को भी लगाया था। उसका तो कल यहाँ लगा दे, तो स्प्रे करते हैं। हाँ ये रुक जा, रुक जा, रुक जा, माखन चो भाई। अपनी बहन को मार दो लो। इधर किचन वाली रखी है। आपकी कौन सी राखी है? कौन सी राखी है? ये डॉल वाली। किसने भेजी है ये? ये बुआ ने। थैंक यू बुआ, बोलो। ये क्या फिर? ये क्या फिर? ये गिफ्ट आप ही खा लो। पेंशन जो बन रहा है हर रात का, अगले 10 सालों में बनके तैयार हो जाएगा। ये आरना का मेंशन जो नियरली 15 इयर्स में बनके तैयार हो जाएगा। ये आरना यहाँ से जाएगी। आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो राखी सेलिब्रेशन आपने देख लिया होगा, और हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच गया था, तो आज हम आए हैं यहाँ पे। ये है खलंगा वॉर मेमोरियल, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखिए, एंड ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा मेमोरियल है जो ब्रिटिशर्स ने अपने अपोनेंट्स के लिए बनवाया था खुद से, और गोरखाज के लिए बनवाया था। गोरखाओं ने जो उनके साथ युद्ध किया था ना, तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे, मतलब अंग्रेज इतना ज़्यादा उनसे जो है प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके लिए एक वॉर मेमोरियल बना दिया। तो ये है, इस मेमोरियल का नाम है खलंगा वॉर मेमोरियल। तो ये हैं यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। और
और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे या जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा नाला पानी का युद्ध पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो नाला पानी का युद्ध जो है वहीं पर हुआ था, वो लिखा हुआ है ऊपर बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक 1814 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच एक युद्ध हुआ था। उसमें गोरखाओं से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो जो गोरखाओं का जो हेड थे उनका नाम था बलभद्र शाह, तो उनके नाम पे इस मेमोरियल का नाम है और खलंगा उस जगह का नाम है, इसलिए इसको बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक रखा गया। और 1814 में वो युद्ध हुआ था और नाला पानी का युद्ध करके आपने पढ़ाई होगा, जंगल में बना हुआ है, मतलब देहरादून से तो काफ़ी नियर बाई है और एकदम डेंस फॉरेस्ट है। देखिए कितना घना आपको जंगल चारों तरफ दिखाई देगा, बिल्कुल घना सा जंगल है। देखिए हमारे बच्चे वहाँ जंगल में घूम रहे हैं, क्लीनलीनेस प्रमोट्स बेटर हेल्थ। यस आना, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? देखो यार अभी बैठे और अब हम कर रहे हैं नेचर वॉक, क्यों कितने अच्छे लग रहे, घने घने जंगल, वो है पीछे मंदिर जहाँ हम अभी गए थे। नो बेटा आराम से, पत्थर तक जाएंगे। हाँ चलो वापस चलो। जानवर की कान बहरे हो जाएंगे, इसको कुछ सुनाई नहीं देगा।